जय श्री राम। मित्रों मैं आज आप सबको श्री रामचरितमानस के महत्व के बारे में और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताऊंगा, और साथ ही मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि सिर्फ रामचरितमानस को घर में रखने से क्या चमत्कार हो सकता है। मित्रों, रामायण जीवन जीने की संपूर्ण कलाओं को, बुद्धि विवेक को जागृत करने की कल्याणकारी ग्रंथ है, जिसमें सारे जीवन का सार छुपा हुआ है। रामायण हमें धर्म के रास्ते पर चलना सिखलाती है, जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती है। रामचरितमानस की कुछ चौपाई व दोहे को पढ़ने से मन शांत हो जाता है। कलयुग में राम नाम लेने से ही जीवन का उद्धार हो जाता है। रामचरितमानस में लिखा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर नहीं पा रहा। राम कथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने की संजीवनी बूटी है। जिस घर में प्रतिदिन सुबह रामचरितमानस का पाठ होता है, उस घर में सुख शांतिपूर्ण माहौल बना रहता है, कलह कलेश दूर हो जाता है। राम नाम जपने से भव सागर तर जाते हैं और परम धाम मुक्ति का यही एकमात्र उपाय भी है। भारतीय संस्कृति में रामायण ग्रंथ सिर्फ किताब नहीं है, ये जीवन के इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ एक गूढ़ रहस्यों का अद्भुत खजाना है, जिसे हमें सभी परिवार सहित पूरे विश्व में, संसार में इस रामायण को पढ़ते हुए, अमल करते हुए उन गड़े हुए खजाने को खोज निकालना चाहिए। आज की विकट परिस्थितियों में राम जी के द्वारा बतलाई गई शिक्षा को जीवन में अमल में लाना होगा। रामायण हमारे हृदय पटल पर ही नहीं, वरन अनंत काल तक, युगो युगो तक सारे संसार में समाहित है, जिसे हमें उजागर करना है। रामायण में एक आदर्श परिवार का समावेश है, जिसमें आदर्श पिता, भाई, पुत्र, मित्र, सेवक, गुरु, शिष्य तथा पति पत्नी के कीर्तिमान स्थापित करने की एकमात्र स्रोत रामायण ही है। राम जी की कही गई वो बात आज सार्थक सिद्ध हो रही है कि जीवन में जो कुछ भी मिले उसे सहर्ष स्वीकार करो, उसे नियति का निर्णय मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री रामचरितमानस के कई एक चमत्कार है, जिसमें पहला है, जिस घर में एक माह में मात्र पूर्णिमा को प्रति माह रामायण का पाठ होता है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जिस घर में रामचरितमानस रखी होती है, वहां कभी भूत पिशाच प्रेतों का वास नहीं होता है। जिस घर में रामायण के पास शाम के समय देसी घी का दीपक जलाया जाता है, उस घर में अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है। रामचरितमानस के और भी कई लाभ है, जिसमें दूसरा है, जिस घर में रामचरितमानस के पास सुबह शाम गौ माता के घी का दीपक प्रतिदिन जलाया जाता है, उस घर में आरोग्यता बढ़ती है और बीमारियां कम होती है। जिस घर में यदि रामचरितमानस की शाम के समय देसी घी का दीपक जलाकर रामचरितमानस की आरती प्रतिदिन होती है, उस घर पर श्री राम जी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में शांति का वातावरण बना रहता है। नंबर तीन जो है, जिस घर में प्रति सप्ताह रामायण होती है, उस घर पर श्री राम जी व माता सीता जी की कृपा सदैव बनी रहती है, उस घर में बच्चों की वृद्धि होती है। जिस घर में प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है, उस घर में भगवान शिव, श्री राम जी, सीता जी, श्री हनुमान जी, शनि देव, नवग्रह और 33 कोटि के देवी देवताओं की सदैव कृपा बनी रहती है। उस घर से दरिद्रता भाग जाती है, उस परिवार का यश बढ़ने लगता है, उस घर पर साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, बच्चों को कभी भय नहीं लगता और वहाँ भूत प्रेत पिशाच प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उस घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, अन्न, संतान, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदारों आदि से परिपूर्ण होता है। रामायण की एक एक चौपाई लाखों मंत्रों के बराबर है और हर चौपाई कुछ न कुछ देने वाली है। हर भारतीय के घरों में रामायण जरूर होनी चाहिए। पारिवारिक मैनेजमेंट रामायण हमें सिखाती है। रामायण हमें संसार में
जीना सिखाती है, गीता हमें संसार से जाना सिखाती है अर्थात मरना सिखाती है। ये हजारों लोगों द्वारा अजमाए हुए उपाय है, आप भी इसका लाभ उठाएं। मित्रों, आने वाले सप्ताह में मैं प्रत्येक दिन रामायण का एक भाग मैं आप सबको सुनाऊंगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप इसका लाभ प्राप्त करें। मित्रों, अगर यह आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ प्राप्त कर सके। मित्रों, इस चैनल पर मैं रेगुलर बेस पर अभी श्रीमद् भागवत गीता का क्रमशः एक अध्याय प्रतिदिन सुनाता हूं और ऑलरेडी मैं इस चैनल पर 15 अध्याय अपलोड कर रखा हूं। बाकी 3 अध्याय इस 3 दिन के अंदर आप सबको वीडियो अपलोड हो जाएगा और इसके बाद मैं रामचरितमानस का क्रमशः एक भाग प्रतिदिन सुनाऊंगा। आप उसे सुने और उसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।